मेरी जिद की वजह से इन्होंने तुम्हें सरप्राइज दिया। इसे सरप्राइज नहीं प्रैंक कहते हैं। हट जाओ वहां से, हट जाओ मेरे आगे से। हाथ कैसे उठाया उन पर? दफाओ जो यहाँ से। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है नूर? नूर कहाँ है? कहाँ है नूर? अरे उससे अगवा करवा दिया ये मार दिया ना। इस खातून से मेरा कोई तारुफ कराएगा या नहीं? अगर नूर को कुछ हो गया ना, खुदा की कसम किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार डालूंगी। ये सब क्या है? क्या है ये? नफसियाती मरीज को मैं कार्टून समझता रहा जो कभी मर नहीं सकता। कैसे पता कि टीना मर गई? नाकाम आशिक कामयाब नजूमी बनता है। बकवास ना कर, लड़कियां भागी हैं या अगवा हुई हैं? तजुर्बा। तजुर्बे से कभी अच्छी बात भी कह दिया कर। फांसी होनी थी, कैसे बच गया? ता तो बता ना कुछ, बता ना, बता कैसे बचा? ओ मां की दुआओं से। और टीना और नूर के बारे में सोचो, मेरे पीछे पड़ गए। ये केस मेरे थाने के हुदूद में, इसे मैं ही देखूंगा। टीना तेरे बिना भी क्या जी रहा। मैंने कबूल किया, मेरी गैर जिम्मेदारी ने नूर और टीना को भी गवा दिया। मेरी इलेवेंस क्लब में बात हुई है, नूर के साथ एक और लड़की भी लापता है, तलाश कर रहे हैं वो लोग। अगर FIR हुई तो पुलिस पहले यहां आएगी। सब फोन हाउस आता है जिसकी वजह से हमारा बना बनाया खेल उछड़ गया, सब खत्म हो गया। इस बार हमने शुरू किया। जब मैं वहां जाकर बात खत्म कर चुका था तो आपको उसकी मां को फोन नहीं करना चाहिए था। तो चाहती थी वो नहीं मिला। तैफोन ने फिर घर बुलाया है की जिल्लत मेरे मुंह पर मार कर बात खत्म कर देगा। मैं एक बार फिर इनकार नहीं सुन सकती। हाँ मैं चला जाऊंगा, आप आराम कीजिए। मैंने उस औरत को दो थप्पड़ मारे लेकिन उसका एक तो पर भारी था।
तुम्हारा फाइनल सेशन बहुत अच्छा हुआ था। डॉक्टर मारिया ने जो तुम्हारा एनालिसिस किया और जो साइकोलॉजिस्ट ने भी रिपोर्ट दी, तुम बहुत बेहतर हो गए हो। गिव इट अप। हेलो, नूर और टीना ना मिली तो क्यों ना मिले भाई? क्योंकि आप लोग पुलिस में जा नहीं रहे, पुलिस यहाँ आ नहीं रही। तुमसे किसने कहा? क्योंकि भाई साजिश का दौर है, खबर का जमाना है, अब तो दिल में भी कुछ सोचो तो बात बाहर आ जाती है। फितनों का दौर है, मैं तो कहता हूँ आप भी बच कर रहे हैं। और करो हर किसी से हर बात शेयर। देखो मैं अपने काम से काम रखता हूँ, तुम्हारी तरह हर फाइल की गर्द झाड़ने की आदत नहीं है। नूर की माँ तुम पर केस करने का सोच रही है अगर उनकी बेटी ना मिली तो। अगर सोच अच्छी ना हो ना तो किसी की नकल करके ये अच्छी बात कर लेनी चाहिए। तुम्हारी हालत देखकर ना मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दिल में नरमी पैदा करो, सख्त दिल ना जमीन पर कबूल है ना आसमान पर मकबूल। कौन है? कौन? दरवाजा खटखटाने की तमीज नहीं है? कौन है? अंदर आओ। कौन है? अभी तमीज से खाता हूं मैं ऐसे। तुम? हेलो, अब क्या है? टीना और नूर के खो जाने का शोक मना रहे हैं। आप लोग शोक ऐसे मनाते हैं? अपना अपना तरीका है। तूबा, सबको लेके नीचे खाने के लिए आओ। अब क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। Everybody, come with me. चले, जुबैदा, आ जाए, आ जाए, आ जाए, सब आ जाए। चलो। पुलिस में जो हमारे दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किडनैपिंग उनमें से किसी एक के पास लाइफ से लिंक्ड है। उन्होंने भी इंतज़ार करने का कहा है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी इंतज़ार ही कीजिए। वही तो कर रहे हैं। खैर, थैंक यू बहराम। तुम गए नहीं अब तक? कैफूर अंकल को आपकी खराब तबीयत का पता चल गया तो कहीं आ रहे हैं। जलील करके ही छोड़ेगा मुझे वो। खैर एनीवे, इस खेल का आखिरी राउंड भी तो खेलना है। मैंने नूर पर जो जुल्म किया उसकी वजह से वो बदनाम हुई, उसकी जिंदगी तबाह हुई। अब एतराफ़ी जुर्म करने की मेरी बारी है। अब मुझे एतराफ़ी जुर्म कर ही लेना चाहिए। माफ कर दे। किस बात पर? तू माफ कर दे। मड़ा बात क्या है? बस एक दफा किसी ना किसी तरह माफ कर दे। ओ मेंटल केस हो, तुमने किया क्या है? हम लोग तुझे गप्पी समझे पर तू तो झूठा निकला। अगर ये लोग तेरी हाय से फंसे हैं तो दो तीन कौमों को हाय लगाया ना, दुनिया बड़ी तंग है उनसे। हाँ। तुम कैसे मानेगा हम सच? और एक दफा अपनी हाय वापस ले लो, अगर उसके बाद टीना और नूर वापस मिल गई हम तुम्हें मान जाएंगे। अल्लाह पाका, आप जानते हैं हम सच है, बड़ा कुछ है, गुनाहगार है पर झूठा नहीं है, इज्जत रखना। सही, आप देख रहे हैं नूर और टीना के अगवा होने पर ना डॉक्टर मारिया ने मेरी भी एक्सप्लेनेशन कॉल की है। मैं तो रिजाइन कर दूंगी। अच्छी बात है, नौकरी छोड़ दो,
बल्कि इस हादसे के तमाम जिम्मेदारों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। नौकरी तो सिर्फ तुम करती हो, हम सब तो इन हसास लोगों की खिदमत करते हैं। और फिर उनको घुमाने के बहाने घुमा देते हैं। वैसे बहराम, ये बात तुम मीडिया से कब तक छुपाओगे? जब तक तुम जैसे बदख्वाहों का मुंह बंद रहेगा। मैम शाह आलम बहुत अपसेट हैं। क्या जवाब दूं मैं उनको? तुम और परी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हो, दोनों मिलकर बॉस की काउंसलिंग करो, अच्छी सी दवाएं दो, ठीक हो जाएंगे। वो तो ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा क्या होगा? ये जो तुम रातों को गायब रहते हो, किधर जाते हो, ये सब पोल खुल गए तो? मेरी फिक्र छोड़ो, नूर और टीना अगर ना मिली तो ये इदारा बदनाम होगा, लेकिन अभी तुम्हारे भी नहीं होगी। बहराम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम झगड़ा जाहिल लोग करते हैं, और लड़कियां तो वैसे भी ज्यादा नफीस और वजादार होती हैं, कुछ इसी बात का ख्याल कर लो, आफ्टर ऑल तुम भी एक लड़की हो और काफी हसीन हो। आई गेस आई डोंट नीड योर मैनस्प्लेनिंग। कहाँ है वो? सर वो यहाँ पे नहीं है, आप अंदर चल के खाना खाएं। नहीं, तुम खाओ। अच्छा जाए देख ले, खुद फेंक लेता हूँ मैं इसको। आहा, यहाँ पे नहीं है। हाँ कभी बेवकूफ बनाने से आ रहे थे मुझे। Fool me once, I'm the fool. Fool me twice, see you. You're the fool. तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? यहाँ भी आ गई? क्या तुम्हारे बाप का घर है ये? नहीं, मेरे शौहर का। शौहर? काश ऐसा। मेरी बेटी नूर का है? भाग गई। बड़ी ढीठ हो, चुम करती हो, ऊपर से हंसती हो, कोई तवान नहीं दूंगा मैं। नूर को भूल जाओ फिर। कैसे भूल जाऊं? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी चाहिए। पैसे भर दो, बेटी वापस कर दूंगी। एक रुपया नहीं दूंगा तुम्हें मैं। एक रुपया नहीं, पूरा 201 करोड़ रुपया चाहिए मुझे। मेरी जिंदगी में तो नहीं मिल सकता तुम्हें। तो फिर मर जाओ। मार दिया। ओए रोको ऐसे, कोई इस औरत को रोको, इस औरत ने नूर को अगवा किया। रोको इस औरत को। कोई औरत आई ही नहीं है, किस कौन भाग गया? उठो यहाँ से। तुम्हें औरत नहीं, कैसे उठू? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मुझे गोलियां लगी है, खून इतना खून कर गया। एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। स्टॉप, जॉइनर सुकून का इंजेक्शन दो, बीवी के जुम से थक गए हैं बाबा जी। पापा होगा तेरा बाप। वापस चलो, नॉर्मल है ये। तुम्हें नॉर्मल लग रहा हूँ मैं? चलो। उफ, कहाँ से नॉर्मल हूँ मैं? वही रस्म, वही दुश्मन। पिछली बार पिस्तौल चली थी, इस बार हाथ, यानी कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो लड़की और उसकी मां दोनों पागल हैं, और दोनों पागल तुम्हारी जान को आए हुए। नूर से दुश्मनी है, उसके साथ जो भी किया अच्छा किया। मैंने उसकी मां को धमकी देने के सिवा कुछ नहीं किया। नथिंग इज अनफेयर इन लव एंड वॉर माई डियर। नूर की मोहब्बत तुम्हारी जंग है। देखो कम ऑन, अब देखो हमारे दरमियान तो तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैंने उसको अगवा या कत्ल नहीं करवाया है। इल्जाम तो है ना, जब तक वो जिंदा या मुर्दा मिलने जाती। गलती किसी की भी हो, उसको छोड़ें, आप अपना फैसला सुनाएं। ये तानिया का फोन नहीं उठाता, इस बद तहजीबी और जो कुछ भी कल रात यहां पर हुआ, ये सब कुछ देखने के बावजूद वो लड़की इससे शादी करना चाहती। हैरत है, एक छोटा सनतकार के मामूली बेटे में पता नहीं उससे क्या देखा। हैरत है ये तो। मैं मानती हूं
आपको मेरी वजह से दो बार जहमत हुई है। तीसरी बार भी जहमत हो, लेकिन इस बार तुम दोनों निशाने पर हो। अगली बार मेरी बेटी की हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपना पुराना खानदानी ताल्लुक तोड़ने के लिए आया हूं। आइंदा तुम लोग तानिया से राबता नहीं करोगे। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। निकल रहे हैं, हड्डी टूट जाती कि ब्रेक लगाने नहीं आते भैया। अजीब यार, वो क्या है तुम्हें? अरे चल, खप क्यों रही आ रहा है? पागल के बच्चों, पिकनिक भी बर्बाद की, अब मारोगे क्या? लग दे रही है, निकल। हाय, इतनी जोर से। आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये बताएं मुझे। हम समझ रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार मैडम शाह आलम से मिलने आप। मैं उस औरत से क्यों मिलूं जिसको दो जिंदगी से ज्यादा अपनी साख की फिक्र। यकीन करें, हम सब नूर और टीना की वजह से सख्त परेशान हैं। हाँ तो फिर पुलिस, मीडिया और हर उस इदारे को क्यों नहीं अप्रोच करते जो इस सिलसिले में हमारा इज्जत बची है? साहब, नूर और टीना बीबी आ गए। जल्दी आओ। यानी क्या? आ गए। कौन आ गए? दोनों बीबी आ गए, मगर वो भाग गए। कौन? मैं अभी तक सोच रही हूँ, मतलब हम तो पागल है ही हैं, लेकिन जो हमें लेकर गए वो हमसे बड़े पागल थे। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, तुम जहर लगती हो हंसते हुए। बच ठीक हो ना तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी? जबाना खराब है, ठीक करने गई थी। कौन थे वो लोग और कहाँ ले गए थे तुम्हें? मेरे पुप्पी के बेटे थे, तुम्हारे सामने लेके गए थे, मुझे क्या पता। और सारे सवाल बाहर पूछ लोगे तो अंदर जाके क्या पूछोगे? बहुत भूख लग रही है। तुम खड़ी क्या देख रही हो? जानो उसके पीछे। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। ड्रामा क्वीन, मैं नाटक तुम क्यों करती हो परेशान? तुम्हारी वजह से ना हमारी नींदें हराम हो गई थी। अब नखरे बंद करो, चलो अंदर। करती हूँ मैं तुम्हारी नींदें हराम। चलो डैड, वो लोग यहाँ आ रहे थे, लेकिन आपने मुझे बताए बगैर वहाँ जाके बात ही खत्म कर दी, और उनसे कहा कि मुझसे कोई कांटेक्ट भी ना रखें। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी तुमसे कांटेक्ट किया। नहीं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। खाली ने सलमान को कॉल की थी। देखो बेटा, अब उनसे रिश्तेदारी में खतरा है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ओके, जो आपने किया, रिस्पेक्ट दैट। Good. लेकिन अब जो मैं करूंगी वो आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मिस कसाला, प्लीज अब आप मेरी बात तो समझ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को लावारिस समझ लिया है, आखिर मैं उससे मिल क्यों नहीं सकती हूँ? उसकी सहनी हालत आपके सामने है, तो इसका ये मतलब है कि दी 11th क्लब की सिक्योरिटी इतनी नाकस है। इस वक्त आप जो भी कहें जायज है, कसूरवार तो हम ही हैं। बेरा, मैंने अपनी बेटी इस इदारे के नहीं तुम्हारे हवाले की थी ना। जवान है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, रात भर कह रहे, किसी को कुछ पता नहीं, मैं क्या करूं बताओ मुझे। आप घर जाइए, मैं इस मामले को समझ लूं, फिर आपको बुलवाऊंगा। बेटा प्लीज, बेटा समझ के माफ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ को सिर्फ दुख दिए, आपको नहीं देना चाहता। आप देखो, मैं कॉल करके आती हूँ। क्या हो रहा है?
I'm tanning. छाव में? मैं ऐसे ही टैन करती हूँ. टीना, तुमने उन लोगों को देखा था? किन लोगों को? जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था. मुझे किसी ने अगवा नहीं किया. प्लीज टेल मी, क्या हुआ था? मुझे तंग ना करो बैरी. अगर तुम उस सब के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, मुझसे एक वादा करो. कैसा वादा? हमें इंसाफ दिलवाओ. हमारी जो इंसल्ट हुई है, किडनैप होके, उन सबको गिरफ्तार करवाओ. ऑब्वियसली, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है टीना. वी आर वर्किंग ऑन इट. हमारे मुल्क में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, यूनिफॉर्म वाले लोग हैं. ये सब हमारी मुल्क में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे मुल्क को सर्व कर रहे हैं. आप समझ रहे ना मेरी बात को? मैं देखिए, जुबैदा अपनी किताब चिड़िया चूचू क्यों करती है, उसमें फरमाती है कि 70% डिस्काउंट ना हो, जब तक सेल ना लगे तब तक शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. हेलो, सेल के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इस मुल्क के बारे में. अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? नो. अब आप? तौबा. अब तो बिग नो. आप राइट? टॉम, मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ और दुनिया बदलना चाहती हूँ. यानी कोई भी मुंह उठा के लड़की को उठा लेगा और कोई कुछ भी नहीं कहेगा. What a system. नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन तुम जानती हो ये सब चीजें होती रहती, और सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह होती है. हम बदनाम ज्यादा है. देखो टीना, मैं ही सब कुछ देखूं. तुम लोग बेबस हो, ये सारा निजाम जकड़ा हुआ है, किसी को कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, इसलिए टीना चुप रहो, तुम भी चुप रहो. जुल्म पर खामोशी जुर्म है. मैं ये जुर्म करना चाहती हूँ. Now let me get back to my tanning. नूर कहाँ है? मेरी जेब में. अपने रूम में सर. सो मेरे पास लेके आई. झंडे तैयार हो गए? दुनिया बदल गई क्या? Doctor, I'm having a session here. Can I please have a session right now? I understand that. Lekin kyunki baat itni sanjeeda ho rahi hai, how about we talk about discipline? 11th club ke discipline ke liye kuch kyun nahi kar rahe hum? Itni badi badi zimmedariyan uthane ke liye taiyar hain aap sab, lekin kitchen ke samne jo kachra hai wo kaun uthayega? Reema, not my job. Dr. Maria, can I please handle this right now? And mera session chal raha hai, so you can talk about this later. Thank you. Sure. To main baat kar rahi thi aap logo se politics ke bare mein. Politics bhi bahut hi important log hote hain jo hamare mulk ki khidmat karte hain. Ab aao, tum bhi aao, meri baat suno. Idhar aao. Kudhar kya baithe hue ho? Politics bahut important hai. और मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ क्यों आ जाते हो? कुछ देने आया हूँ. लेने नहीं, एक बहुत ही कीमती. फिर से फ्री का मशवरा. हम में से कोई नहीं जानता कि हम सब यहाँ क्यों हैं, हम कब तक यहाँ कैद हैं, कब यहाँ से आज़ाद होंगे. आओ बच्चों सुनो कहानी हम पे गुजरी रात की. हमें कोई जल्दी नहीं. मुझे तो है. मेरे ख्याल है तुम्हें आराम करना चाहिए. तुम दोनों आराम में नहीं हो तो मुझे आराम कैसे आएगा जज साहब? अच्छा अच्छा बताते तुम. तो हुआ कुछ यूं, जब वो हम दोनों को ले गए तो किडनैप हो चुके. तुम सोने की बड़ी उठो. अरे नहीं, वो मेरे फैंस हैं. मेरे फैंस नहीं है, गन पॉइंट पे लेकर आया हुआ यहाँ. फैंस के बच्चे कौन सी जगह है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा. मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से वक्त दो. ये कहाँ है? कौन है ये? मुझे और बात करके पूछती हो कौन है ये? अगर टिंकी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा. तस्वीर तुम्हारी है? नहीं, ये तो मैं हूं, लेकिन मेरे साथ कौन है? ले गया वैसे. इसे जानती हो? नहीं. पूछो इससे मेरा भाई कहाँ है. बता दो वरना सबको मार देगा. क्या?
देखिए आपको गलत फहमी हुई। ओ मेरी बलाई चुप कर। मेरा इकलौता भाई गायब है और ये कहती है कि इसके साथ भागा है। हाँ? हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे चुप करो, जबान काट दूंगा अगर दोबारा बोली तो। सच बता दे, इज्जत से वापस छोड़ाऊंगा। जी ओए, क्या है ये, कौन हो तुम और मेरे साथ तस्वीर कहाँ बनाई? तीन लड़कियां उठाई हैं, बोली एक भी नहीं। तूने बताया रही उसके भाई को? नहीं, तुम्हें किसने कहा है? तुम्हें शक्ल पे लिखा हुआ है, लेकिन टीना को क्यों फंसाया? आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो मेरा भाई कहाँ है, वरना पत्थर बांध के दरिया में फेंक दूंगा। तैरना भी आता है और अपने दांतों से गिठा भी खोल लेती हूँ। पागल हो तुम? साइको है, साइको। ए, जरा सा नफ्सियाती मसला है। ए, सुनो भाई, ये लड़की झूठ बोल रही है तुमसे। तुम मॉडल और अदाकारा हो, मेरे भाई को कैसे मिली? सर ये छोटे साहब का फोन आया, ये बात करें। हेलो, कहाँ हो तुम? ओह, चलो तुम घर पहुंचो। ओके। मकार, ये चक्कर तुम्हारा था और तुमने मुझे इस मेंटल के पीछे लगा दिया। ए मेंटल खुद होगा, चुप चल। सब इनका क्या करना है? ये तो मेरे साथ जाएगी और इन दोनों का केस सुबह भुगताऊंगा। तुम आओ मेरे साथ। लव बर्ड्स पकड़े गए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये तो बहुत अजीब सी कहानी जो मैंने खुद लिखी। टीना का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक? किसी ने उससे पूछा नहीं? पूछा था? मोहब्बत तुमने की, लड़का तुमने भगाया और फंसा टीना को दिया। बड़ी कमजोर निकली तुम तो। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं, फिर ये सब? हम इस शहर के नहीं हैं, ये लोग हमारे इलाके के बड़े जमींदार हैं। मैं और इसका भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर जब ये उसकी शादी कहीं और करने लगे तो मैंने उसको मशवरा दिया कि तुम घर से भाग जाओ। तो तुम्हारी इस फटीचर फिल्म में मैंने कहां से एंट्री मारी? उसको बोलने तो दो। हाँ फिर क्या हुआ? 2 साल पहले हम यहाँ एक फेस्टिवल में आए थे, तुम वहाँ किसी बुटीक के लिए रैम कर रही थी, ये तस्वीर भी तब की ही है। कुछ दिन बाद मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि तुम शोबिज छोड़कर कहीं गायब हो गई हो। बाई चांस मैं तुम्हें मिल चुकी थी और मैंने तुम्हारा वो सीरियल भी देखा था जिसमें तुम पर तेजाब फेंक देते हैं, छोटा सा कैरेक्टर था। डायरेक्टर ने काट दिया, उससे बात तो करने दो। फिर भाई को ढूंढता ये मुझ तक पहुंचा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर अपनी जान छुड़वा ली। मुझे लगा था तुम शादी करके बाहर सेटल हो चुकी हो, मुझे क्या पता था तुम पागलखाने में और ये शाम तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालेगा। कोई तावीज हो रदे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई। ओके तुम आराम करो, कल सेशन करें। सेशन में क्या रखा है? कानून पास करो। के? आशिक रुस्वा होगा ना माशूक से जुदा होगा, ये कानून बना दो वरना तख्ता उलट जाएगा। तख लिया। ओके मैं चली जाती। What do you think? क्लियर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी है आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपके क्या हाल है आज? माजी और मुस्तकबिल की बात करें, हाल तो जानती हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी आप आराम करें ठीक है। ज़ुबैदा, कलर बहुत अच्छा पहना हुआ है। अपने काम से काम। आप कूल एंड काम। आप कैसे हैं आज? कुश्ती की तैयारी जी। अड्डोले शोले बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, करते रहो। मारिया, जरा इन लोगों को तुम लुक आफ्टर करो। श्योर। और मैं बहराम से कहती हूँ कि इनकी मेडिसिन चेंज करें, नींद की कंप्लेन कर रहे हैं। नूर और टीना का मिल जाना किसी मौजे से कम नहीं है, लेकिन जिन्होंने उन्हें अगवा किया है उन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। वो मिलेंगे नहीं तो सजा किसे दिलवाओगे? पुलिस जिसे ढूंढना चाहे ना उसे चूहे के बिल और शेर की कछार से भी निकाल।
मत भूलो, नूर और टीना नफ्सियाती मरीज है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत अपसेट हो सकते हैं। हवा करने वालों के नाम और पता तक नहीं जान। तो यहाँ खामोश बैठे रहे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन दोनों के जहन से इस वाक्यों को मिटाने में उनकी मदद कर। सर, डॉक्टर मारिया आपको बुला रही हैं। ये मुलाकात भी एक वाकया होगा जिससे जहन पर गहरा असर पड़ सकता। जो दिल में है कह दो, मैं सुन रही हूं। एनी, मुझे लगता है सबसे पहले यहां से नॉर्मल होके मैं जाऊंगा बाहर। ओ, आई लाइक योर स्पिरिट। वैसे बाहर जाके क्या करोगे? इंसान को इंसान बनने की तरकीब बताऊंगा जो कि सिर्फ मुझे आती है। ओए, मेरे और नूर की अगवा के पोस्टर्स क्यों लगा रहे हो पूरे 11th क्लब में? बस एक खबर थी जो कि नशर की है। नमक मिर्च मसाला लगाकर बात को पेश करना खबर नहीं, मस्ती होती है। शराफत से कह रही हूँ, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मत फैलाओ। हम तो बस आपके और नूर के साथ जो ज्यादती हुई उस पर डिस्टर्ब थे और कुछ नहीं। चलो अभी से डिस्टर्ब मत करो, जाके कोई हेल्थी एक्टिविटी किया करो। मसलन? एनी, बताती हूँ। कब? थोड़ी देर में। क्यों? नाउ टीना, कहीं किडनैपर्स तुम्हारे और नूर के जानने वाले तो नहीं थे? बड़े जाहिल थे सब। मेरे बस में हो तो सबको फांसी लगवाऊं। और बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगवा करने वाले मुजरिम इसी सजा के मुस्तहिक है। और नहीं तो क्या? बट आई सजेस्ट कोशिश करके तुम ये वाक्य अपने दिल से निकाल। निकाल दिया, लेकिन यहाँ से निकल कर हर उस मजलूम लड़की को इंसाफ दिलवाऊंगी जो कभी अगवा हुई थी। दैट्स वेरी गुड एंड आई लाइक दैट। लेकिन टीना, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम हेयर फॉर यू, और तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकती। ऑनेस्टली अपने दिल से बैराम के लिए कीना, बोझ और नफरत निकाल लो, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊँ पक्का। एक्सक्यूज मी, ये जो आप शाह आलम के कहने पर हम सबसे दोस्तियां बना रही ना, ये मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। वैसे ना तो तुम पागल हो और ना ही जाहिर, तो फिर साजिश क्यों करते हो? तो किसी को डेट कर रहा है? तो फिर क्या चल रहा है? किरण बाजी खासी परेशान थी, मुझे ऑफिस बुलाकर मुझसे पूछा तेरे बारे में। तो क्या बताता? तुम तो मुझसे भी छिपाने लगे। इतना कुछ होने के बाद भी कहानियां दिल से निकलती है ना नूर। क्या कहूं और क्यों कहूं? काश तुम उस वक्त मेरी एक, बस एक ही सुन लेते कि नूर से पागल देखना मेरे बस से बाहर है। ये जिसे तुम अपनी हीरोइन समझते हो ना, उसने गलती से नहीं जान बूझ कर तुम पर और तुम्हारी बहन पर फायरिंग की थी। वो हमला मुझ पर नहीं था। बहन के दुश्मन से लड़ाओगे? किसी तरह उस पागल का पीछा छोड़ दो और इस बात पर यकीन कर लो कि तुम जिंदा बच गए हो। और उसे मरने दो, होगी मुझसे गलती, इतनी बड़ी गलती होगी। जो कुछ मैंने उसके साथ किया वो कोशिश थी कि वो अपने घर आ जाए। बिल्कुल, और आते ही पूलन देवी बनकर तुम्हारी बहन की जान को आ जाए। ऐसा नहीं होगा, तुम मेरा साथ दोगे यार? आशिकी कर मैं तेरे साथ हूं, दीवानगी और पागलपन में नहीं। रोगी बन गए हो तुम। नूर की यह हालत तुम्हें क्यों परेशान कर रही है और क्यों तुम वहां के बार बार चक्कर काट रहे हो? रब जानता है, तुम्हें पता है, या फिर मुझे?
अच्छा तुमसे मिलना है। सुबह सवेरे क्योंकि मैं ग्रीन हूं।